ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 3786, क्लैरिफाइड ऑन 6/11/2021। आज का रात्रि क्लास है 14 दिसंबर 1968। टुडेज नाइट क्लास इज डेटेड 14th December 1968। अधूरी वाणी उठाई गई है। An incomplete vani has been taken. वहाँ फिर भी जैसे ग्रस्त व्यवहार हो जाएगा। नई दुनिया में। It is as if, nevertheless, there will be household there in the new world. भले ओ ग्रस्ती देवताएं सतयुगी हैं। Although those householder deities are of the golden age. पर यहाँ तो कोई गृहस्थ व्यवहार की तो बात है ही नहीं। There is nothing about household here at all. यहाँ तो पढ़ाई की बात है। It is about studies here. और ये पढ़ाई वंडरफुल के लिए। Moreover, this study is for wonderful. वंडरफुल पार्ट धारी है ना। There are wonderful actors, aren't there? तो देखो देवताएं भी चाहते हैं कि हम यहाँ ब्राह्मणों के साथ रहें। So look, the deities also wish to stay with the Brahmins here. क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग की रहनी सबसे ऊंची है। Because the life of this Purushottam confluence age is the most elevated. परंतु जिन ब्राह्मणों में ज्ञान हो ना, जो इन राजों को समझते हो। बट द ब्राह्मिन्स हु हैव नॉलेज कैन अंडरस्टैंड दी सीक्रेट्स। बाकी जिनमें ज्ञान नहीं है वो फिर इतना इतना नई दुनिया का सुख नहीं उठा सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दोज हु डोंट हैव नॉलेज कांट एंजॉय सो मच ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द न्यू वर्ल्ड। नाम सुनते हैं स्वर्ग का नाम सुन करके कि भाई हेवन है। They listen to the name of heaven. There is heaven. परंतु अभी नॉलेज कहाँ पाई है? But where have they received the knowledge now? पढ़ाई कहाँ पढ़े हैं सभी? Where has everyone studied yet? और पढ़ाई तो ऐसी पढ़े हुए हैं जो फिर राजा भी न कोई बन सकेंगे। And they have studied the knowledge in such a way that no one can even become a king. Samjha? Did you understand? क्योंकि राजा बनने के लिए तो कर्मातीत अवस्था चाहिए। It is because you need the कर्मातीत stage to become a king. अगर अभी बने, If you attain it now, तो फिर राजा भी न बन सके कोई। No one can become a king either. तो ये ड्रामा के विरुद्ध हो जाए। It will happen against the drama. तो इसलिए अभी पढ़ना है और पढ़ाना है। This is why now you should study and teach. ऊंच पद पाने के लिए है ही मुख्य पढ़ना और पढ़ाना। In order to attain a high position, the important thing is certainly to study and teach. और वंडर भी ये है। And this is also astonishment. बाप को भी बुलाते हैं, किसी भी ये बुलाते हैं। You also call the father. Why do you call him? क्या करके हमको पढ़ाओ? Come and teach us. योग सिखलाओ, पवित्र बनाओ। Teach us yog, make us pure. पढ़ाओ, योग सिखलाओ। Teach us yog. तो अक्सर करके जो भी आते हैं, So, all those who often come, पटना से जैसे ये इतने पत्र आए, Just as so many letters came from Patna, तो उनमें इतना नहीं शायद किसको समझाते हैं। Probably, no one is explained so much in it. कि सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी आए, या गुरु हो बे, That he is the supreme father, the teacher,
द गुरु हैज ऑल्सो कम और ही इज द गुरु। तो वो बंदर खाए करके निश्चय बुद्धि हो करके भागे। सो दे विल बिकम एस्टोनिश्ड, बिकम दोज विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट एंड रन। कि अगर ऐसा है बेहद का बाप, जो बाप भी है फिर वो ही और टीचर भी है, तो ऐसे बाप से जाकर के सुने ना कि कैसे टीच करते हैं। थिंकिंग इफ द अनलिमिटेड फादर इज सच दैट ही इज द फादर एंड ऑल्सो द टीचर, वी शुड गो एंड लिसन फ्रॉम सच फादर हाउ ही टीचेस। मुख से कैसे ये ब्रह्मा अपने बच्चों को सीख देते हैं। हाउ ब्रह्मा टीचेस हिज चिल्ड्रन थ्रू द माउथ। पौत्रों को ऐसे कहें, कैसे सिखाते हैं, तो वंडर खाए करके भागे। इफ यू टेल दिस टू द ग्रैंड चिल्ड्रन हाउ ही टीचेस, दे विल बिकम एस्टोनिश्ड एंड रन टू मीट द फादर। परंतु है क्या, पॉइंट्स है ना। बट वॉट इज इट, दे आर पॉइंट्स aren't they? कई कई बच्चों को ढेर पॉइंट्स भूल जाती है। मेनी चिल्ड्रन फॉरगेट लॉट्स ऑफ पॉइंट्स। अभी भूल जाती है तो गया। वेल इफ दे फॉरगेट दे आर गॉन। फिर अगर आते हैं तो कोशिश करके फिर उनको समझाए देंगे कि हाँ ये जानते हो कि एक ही इनकॉर्पोरियल जो बाप है, इनकॉर्पोरियल जो बाप है, ऐसे आत्मा कोई भी नहीं हो सकती। इफ दे कम अगेन यू विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू देम, यस यू नो दैट देयर कांट बी एनी अदर सोल लाइक द वन इनकॉर्पोरियल फादर। जब तक कि सुप्रीम आत्मा आकर के समझावे, अंटिल द सुप्रीम सोल कम्स एंड एक्सप्लेन्स, अगर समझावे भी तो भी उस आत्मा को बाप टीचर गुरु नहीं कह सकेगा। इवन इफ ही एक्सप्लेन्स दैट सोल वोंट बी कॉल्ड द फादर द टीचर एंड द गुरु, क्योंकि बाप तो कोई कह ही नहीं सकते है ना अपन को। इट इज बिकॉज नो वन कैन कॉल हिमसेल्फ द फादर, कैन ही? हाँ बच्चा कह सकेंगे। यस ही कैन कॉल हिमसेल्फ अ चाइल्ड, बाप नहीं कहेंगे। ही वोंट कॉल हिमसेल्फ द फादर। तो मूल बात है ही ये बाप की। सो द मेन थिंग इज ऑफ द फादर अलोन। इससे सिद्ध होता है कि बरोबर और कोई भी आत्मा उसको कोई कभी भी किसको भी कोई भी आत्मा को बाप दादा टीचर कहा नहीं जा सकता है। दिस प्रूव्स दैट सर्टनली नो अदर सोल, नो वन, नो सोल कैन एवर बी कॉल्ड बाप दादा टीचर। कोई 84 जन्म के बाद भी फिर कोई सिखलाते थोड़े ही हैं। नो वन टीचेस इट इवन आफ्टर द 84 बर्थ्स। इसको तो टीचर कहा जाता है ना। This one is called the teacher, isn't he? और इसे टीचर के ऊपर भी बहुत अच्छी समझानी चाहिए। And you need a very good explanation on the teacher as well. परंतु कई को याद पड़ते हैं, कई भूल जाते हैं। But some remember it while some forget it. भले कोई अनन्य भी हो तो भी ऐसी ऐसी कोई पॉइंट्स भूल जाते हैं। Although there may be some unique ones too, they forget some of such points. भूले और पीछे याद पड़े, पर भूली तो जाती है। If they forget and remember later, but they do forget. बाबा नहीं समझाते हैं कि समझाते हैं, समझाने के बाद फिर स्मृति में आते हैं कि अरे फलानी बात समझाना भूल गया। बाबा डजंट एक्सप्लेन और ही एक्सप्लेन्स, आफ्टर ही एक्सप्लेन्स ही रिमेम्बर्स
अरे आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन अ सर्टेन थिंग, फलाने पॉइंट को समझाना भूल गया। आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन अ सर्टेन पॉइंट, अरे भूल गया तो भूल गया। अरे इफ आई फॉरगेट इट दैट्स इट, वो तो चले भी गए ना बच्चे। दोस चिल्ड्रन हैव सर्टेनली गॉन हैवंट दे, कोई फिर आते हैं कोई नहीं आते हैं। सम कम बैक एंड सम डोंट, अगर आते हैं तो सुनते हैं। इफ दे कम दे लिसन टू द नॉलेज, तो जो आते हैं दूसरी दफा तो समझो तो कोई ये कुछ अच्छा बच्चा बनेंगे। सो दोज हू कम फॉर द सेकेंड टाइम अंडरस्टैंड दैट दे विल बिकम गुड चिल्ड्रन, अगर फिर तीसरा दफा आएगा तो बोलेगा अच्छा और अच्छा बनेंगे। इफ समवन कम्स फॉर द थर्ड टाइम बाबा विल से अच्छा दे विल बिकम इवन बेटर, ऐसे छह दफा पांच दफा तो समझो। अंडरस्टैंड लाइक दिस अप टू 5 to 6 टाइम्स, ये अच्छा बच्चा बनते जाएंगे बार बार आने वाले। Those who come repeatedly will become good children. अगर एक ही दफा आया और भले लिख भी दिया, और ऐसे भी होते हैं कि लिख करके दे करके जाते हैं फिर आते भी नहीं है। If someone came just once and also wrote, and there are such ones as well who write and give and go away and don't even come back, तो समझे जाते हैं देरी से आएंगे। सो इट इज अंडरस्टूड दैट दे विल कम लेट, बाकी आने वाले तो सभी हैं। एज फॉर द रेस्ट एवरीवन इज गोइंग टू कम, हट्टी तो एक ही है जाएंगे कहाँ। देयर इज ओनली वन शॉप वेयर विल दे गो, अच्छी मदद करते हैं स्टूडेंट्स को और प्लानिंग के ऊपर भी कितना खर्चा होता है। You help the students well and a lot is spent after planning as well. और कहाँ उन लोगों के प्लान्स दुनिया वालों के और कहाँ तुम्हारे प्लानिंग। And there is a vast difference between their, the worldly people's plans and your planning. कोई मनुष्य वन सृष्टि सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं सुना सकते न समझा सकते। No human being can either narrate or explain the history and geography of the world. और उनमें ये चित्र जरूर दिखलाना पड़े। And you will certainly have to show this picture in it. नहीं तो और भी कोई अच्छे समझाने वाले हो तो समझ सकते हैं। Or even if there are some who can explain well orally, they, the students can understand. क्योंकि अपने पास पहले पहले कोई ऐसे चित्र नहीं थे। इट इज बिकॉज वी डिडंट हैव एनी ऑफ सच पिक्चर्स अर्लियर, ये चित्र तो पीछे निकले हैं। दिस पिक्चर्स हैव कम अप लेटर, पहले ही पहले जो तुम भागी हैं और भाग करके बाबा की बनी हैं, तो भी कुछ समझ करके भागी ना। यू Who ran at first and have belonged to Baba, you ran after understanding something, didn't you? बाप की कशिश तो हुई ना? You did have attraction for the father, didn't you? तो उस समय में कोई चित्र थोड़े ही थे। So there weren't any pictures at that time. नहीं। No. पीछे बहुतों को समझाने के लिए ये चित्र बने हैं। These pictures are made to explain to many in future. तो वो जरूर समझाने पड़ते हैं। So you definitely need to explain them. 14/12/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। Second page of the night class dated 14/12/1968. अभी भी चित्र बहुत चाहिए जिसके ऊपर मनुष्य अच्छी तरह से समझ सके। Now also you need pictures a lot through which people can understand properly. और बहुत बहुत लैंग्वेजेस के भी चाहिए। Moreover, they are needed in many languages too. अभी सिंधी। Now सिंधी। किसी ने कहा सिंधी में नहीं है। Someone said
दे आरंट इन सिंधी। सिंधी में नहीं है? दे आरंट इन सिंधी। वो किसी ने कहा नहीं बाबा। समवन सेड नो बाबा। ब्लैंक है? आर दे ब्लैंक? किसी ने कहा हाँ ब्लैंक रखे हैं। समवन सेड यस दे आर केप्ट ब्लैंक। तो सिंधी में छपाना चाहिए। सो दे शुड बी प्रिंटेड इन सिंधी। क्योंकि मुख्य झाड़ जो ये है त्रिमूर्ति और गोला वो ही ब्लैंक रखे हुए है ना बच्चे, और मैं समझता हूँ ब्लैंक ये भी है लक्ष्मी नारायण के। इट इज बिकॉज चाइल्ड द मेन पिक्चर्स ऑफ द ट्री त्रिमूर्ति एंड द साइकिल आर केप्ट ब्लैंक aren't they? एंड आई थिंक दैट दिस पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण इज ऑल्सो ब्लैंक। और इनका वो भी है। एंड दे ऑल्सो हैव दैट। तो किसी ने कहा सीढ़ी लक्ष्मी नारायण झाड़ त्रिमूर्ति। Someone said the ladder लक्ष्मी नारायण the tree त्रिमूर्ति। हाँ है ना? Yes it is there isn't it? किसी ने कहा सब ब्लैंक। Someone said everything is blank। तो देखो गवर्नमेंट भी सिंधियों को ये रेडियो में बातचीत करने के लिए दिया हुआ है। सो लुक द गवर्नमेंट हैज आल्सो गिवन अ चांस टू द सिंधीज टू स्पीक ऑन द रेडियो। तो सिंधियों की तो है तो सही ना? सो द सिंधीज डू हैव इट डोंट दे? अभी कुछ नाम तो है ना? नाउ दे डू हैव सम फेम डोंट दे? तो सिंधी में जाकर के तुम छपाना। So, go and print the pictures in Sindhi. किसी ने कहा जी बाबा। Someone said, yes baba. कोई खर्चा जास्ती नहीं लगते हैं। It won't cost much. तो किसी ने कहा सब भाषाएं छपेंगे और उसमें कोई खर्चा। So, someone said, all languages will be printed and the expenditure in it. भाषा लिखत में नहीं है कहीं? Isn't the language in writing anywhere? किसी ने कहा नहीं है। Someone said there isn't. नहीं है। There isn't. तो किसी ने कहा सब लिखा है। Someone said everything is written. हाँ लिखने में तो सिंधी जो होते हैं लिखने वाले। Yes, to write the writers who are Sindhis. तो किसी ने कहा लेकिन बाबा जहाँ तक हम लोगों ने देखा है। Someone said, but baba, as far as we have noticed, जैसे सिंधी गीता भी हमारे पास लिखी हुई है। Just as we also have the सिंधी गीता written. एक थोड़ी माताएं सिर्फ लेती हैं। Only a few mothers use it. बाकी सिंधी mostly males तो सब इंग्लिश जानते हैं। As for the rest, all the Sindhi males mostly know English. वो English literature और आजकल तो हिंदी। The English literature and nowadays Hindi. ऐसे किसी ने बोला? Someone said that. अरे माताएं ही तो मुख्य हैं। अरे the mothers are certainly important. किसी ने कहा बाकी थोड़ी कोई माताएं उस तरफ नहीं जानती है। Someone said, as for the rest, a few mothers there don't know. तो वो हिंदी तो आजकल बहुत पढ़ते सुनते भी हैं। So many study Hindi nowadays. They also listen to it. किसी ने कहा हेडिंग लिखते हैं बाबा सच्ची मन की शांति बस। Someone said, baba, they write the heading. True peace of the mind. That's it. बस वो और 10 पैसा बस। And just 10 paisa. That's it. सब कोई ले लेते हैं। Everyone takes it. समझती हैं अंदर क्या होगा? They think what will be inside it. हाँ बहुत लेते हैं और आगे में बाबा फ्रंट पेज में ब्लॉक है ना लक्ष्मी नारायण का दिया हुआ। Yes, many take it. And baba. There is the block of Lakshmi Narayan given on the front page, isn't it? तो बहुत छपाई लेते हैं गुजराती मराठी बंगाली सब भाषाएं छपाई दी है। So they print a lot in Gujarati, Marathi, Bengali.
दे हैव प्रिंटेड इट इन ऑल लैंग्वेजेस। सबको किताब जो होता है छोटा मोटा सब देते हैं। दे गिव एवरीवन ऑल काइंड्स ऑफ स्मॉल एंड बिग बुक्स। तो ये समझाए तो सकते हो ना, देखो। सो लुक यू कैन सर्टेनली एक्सप्लेन दिस कांट यू। ये जो भी देवताएं हैं उन सबको मन की शांति है। ऑल द डेटीज हैव पीस ऑफ द माइंड। क्योंकि वो है ही शांति धाम, सुख धाम भी है, शांति धाम भी है। बिकॉज दैट इज सर्टेनली द अबोड ऑफ पीस। इट इज द अबोड ऑफ हैप्पीनेस एज वेल एज द अबोड ऑफ पीस। तो ये शांति धाम सीखते जरूर है। दे डेफिनेटली लर्न अबाउट द अबोड ऑफ पीस। जो फिर नई दुनिया में शांति में रहते हैं, सुख में भी रहते हैं। सो दे लिव इन पीस एज वेल एज हैप्पीनेस इन द न्यू वर्ल्ड। तो जब इस सतयुग में है तो जरूर संगम युग पर सीखते होंगे। व्हेन दे लिव लाइक दैट इन द गोल्डन एज दे डेफिनेटली लर्न इट इन द कॉन्फ्लुएंस एज। इसको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज। तो ये समझना तो सहज है ना कि देखो ये पुरुषोत्तम है। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दिस इजंट इट। लुक इज दिस पुरुषोत्तम। किसी ने कहा हिंदी भाषा समझते नहीं है और बंगाली और इंग्लिश समझाने वाले मेल्स हैं। समवन सेड दे डोंट अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज एंड दोज हू एक्सप्लेन बंगाली एंड इंग्लिश आर मेल्स। तो मेल मेल को समझा के इतना कन्विंस करेंगे क्या? सो विल द मेल्स एक्सप्लेन टू द मेल्स एंड कन्विंस देम। हाँ ऐसे बहुत मेल्स हैं जो समझा सकते हैं। यस देयर आर मेनी सच मेल्स हु कैन एक्सप्लेन। और किसी ने कहा समझाते हैं ना वहाँ बंगाली में भी। समवन सेड दे एक्सप्लेन देयर इन बंगाली टू डोंट दे। मेल से ही समझाते हैं परंतु कन्विंस माताओं को कराना आएगा। द मेल्स अलोन एक्सप्लेन बट द मदर्स विल बी एबल टू कन्विंस देम। ये जो मेल है द मेल्स को किसी ने कहा तब तो कहते हैं कि बाबा ने भी रथ तो मेल का लिया है ना। समवन सेड देन दे से बाबा हैज ऑल्सो टेकन द चैरियट ऑफ अ मेल हैजंट ही। तो ये तो समझते हो ना कि यहाँ तक युद्ध के मैदान में युद्ध करते रहते हैं। सो यू अंडरस्टैंड दैट यू कीप फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड। और रचता और रचना की आदि पद्यंत को सबको समझाते रहते हैं। एंड यू कीप एक्सप्लेनिंग अबाउट द बिगनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ द क्रिएटर एंड द क्रिएशन टू एवरीवन। और नास्तिक से आस्तिक बनाते रहते हैं ना। And you continue to make them theists from atheists, don't you? नास्तिक से आस्तिक बनाना भी तो सहज है ना? It is also easy to make someone into theist from atheist, isn't it? भाई दो बाबा हैं। There are two babas. छोटा बाबा बड़ा बाबा। Junior baba and senior baba. तुम बोलते हो कि नहीं? वो सर्वव्यापी है। Do you say or not? He is omnipresent. अरे तुम समझा सकते हो? तो दो बाबा हैं, एक हद का दूसरा बेहद का। अरे you can explain. There are two babas. One is the limited and the other is the unlimited. मानते हो? Do you agree? तो अच्छा अगर मानते हो तो फिर तुम आस्तिक हुए। अच्छा इफ यू अग्री यू आर अ थीस्ट। कि बरोबर बेहद के बाप को मानते हो और फिर जानते भी हो जरूर। यू सर्टेनली बिलीव इन द अनलिमिटेड फादर एंड नो हिम एज वेल। मानते हो तो जानते भी हो। इफ यू बिलीव इन हिम यू नो हिम एज वेल। समझा ना बच्चे? चाइल्ड यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू। तुम दो बाप को मानते हो, एक निराकारी एक साकारी। यू बिलीव इन टू फादर्स, वन इज द इनकॉर्पोरियल वन एंड द अदर इज द कॉर्पोरियल वन। ठीक है ना बच्चे?
चाइल्ड इट इज करेक्ट इजंट इट। अच्छा जब जानते हो कि बेहद का वो बड़ा बाप है और निराकारी बाप है तो जरूर हम सभी बच्चों का बाप ठहरा। अच्छा when you know he is the unlimited senior father and he is the incorporeal father, he is certainly the father of all of us children. तो सभी बच्चों को वर्षा तो मिलता है ना? It is because all children do receive the inheritance, don't they? गाया जाता है ना सर्व का सदगति दाता बाप। It is praised, isn't it? The father is the giver of sadgati to everyone. और बाप की सेवा करते हैं तो बाप खुश होते हैं। And the father becomes happy when you do the service of the father. देखते हैं कि नहीं ये बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं। If he sees, no, these children don't do anything. ये बाप को ये बच्चा बुलाते हैं, आ जाते हैं या समझते हैं कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है या माँ की तबीयत ठीक नहीं है न बहन की तबीयत ठीक है। This child calls the father. He comes or he thinks that Baba isn't well or the mother isn't well, the sister isn't well either. तो देखते हैं कहाँ ये भी तो हम बीमार पड़ेंगे तो फिर ये मेरी भी सर्विस करेंगे। So he sees if I fall ill, they will serve me as well. तो वो भी अपने लिए सर्विस कर करके छोड़ देवे। So they also do service for themselves and leave. जो समय पर बीमार पड़े तो सर्विस ही कोई करे। If someone falls ill at some point of time, someone will serve him. 14/12/1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज दूसरी लाइन। Third page of the night class dated 14/12/1968, second line. अगर कोई भी किसी की सर्विस ही न करे तो किसकी दिल नहीं होगी इसकी सर्विस करने की। If no one serves anyone at all, no one will wish to do anybody's service. तो होता है ना? So it happens, doesn't it? मिठुरा घुरत घुराए। मिठुरा घुरत घुराए, that is, the more jaggery you add, the sweeter it becomes. बच्चों का एक दो में लव है तो भी एक दो की संभाल करते हैं। If the children love each other, they look after each other. और बीमारी का तो कोई नियम ही नहीं है, कभी भी हो सकती है। And there is no rule for illness at all. You may fall ill at any time. अच्छा डट्टा मुट्टा हो तो भी हो सकता है उसको कुछ न कुछ बीमारी हो जाए। If someone is healthy and well built, even then it is possible that he may have some or the other illness. जैसे ये भी है योग की यात्रा, ज्ञान और योग। Just as this is the journey of remembrance, knowledge and remembrance. तो योग तो है गुप्त। So yog is hidden. जिससे पूछा जाता है तो बताते हैं तो मालूम पड़ता है कि इनमें सच लिखते हैं कि नहीं। When someone is asked about it, he answers. Then he comes to know whether he writes the truth or not. अगर कोई लिखते ही नहीं है तो कैसे मालूम पड़ेगा? If anyone doesn't write at all, how will he, the father, come to know? तो बाप भी भलाई के लिए मालूम करने के लिए ये कितना मुझे याद करते। So the father also, for the benefit, to a certain, how much he remembers me. झूठ बोलेंगे तो वो तो 100% झूठ वृद्धि को पा लेगा। If they lie, it will increase 100-fold. हर एक चीज वृद्धि को जरूर पाती है। Everything certainly increases. मिसला कोई भी किसी की चीज उठाते हैं नहीं तो फिर उठाने की आदत पड़ जाएगी ना, उठाते रहेंगे। For example, if someone picks up a new thing of someone, he will form a habit to pick it up, won't he? He will continue to do that. उठाते रहेंगे, उठाते डरेंगे नहीं। He will pick up things constantly. He won't be afraid. तो अंजाम क्या होगा कि पाप चढ़ता जाएगा ना बच्चे। So, what will be the result?
चाइल्ड ही विल कीप अक्यूमुलेटिंग द बर्डन ऑफ सिंस, वोंट ही? तो वो सर्जन को सब बीमारी जरूर सुनानी पड़े। सो यू डेफिनेटली हैव टू टेल द सर्जन अबाउट ऑल योर डिजीजेस। तो वो छूट जाएगा 100% वृद्धि होने से। देन इट वोंट इंक्रीज 100-fold। नहीं तो वृद्धि होती रहती है, होती रहती है। अदरवाइज इट कीप्स इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। और पीछे पक्के हो जाते हैं। लेटर यू बिकम फर्म। जैसे तुमको मालूम है जेल बर्ड कहा जाता है। जस्ट एज यू नो देयर इज अ वर्ड जेल बर्ड। जो भी कुछ चोरी चकारी कुछ भी करते हैं तो फिर वो जेल बर्ड बन जाते हैं। ऑल दोज हु डू स्टीलिंग रॉबरी और एनीथिंग दे बिकम जेल बर्ड्स। फिर उनकी आदत मिटती नहीं है। देन दे डोंट गेट रिड ऑफ दैट हैबिट। उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठेगा कि हम चोरी करते हैं। इट वोंट इवन सिट इन देयर इंटेलेक्ट वी स्टील। एकदम इतना नहीं बैठेगा। इट वोंट सिट इवन टू द स्लाइटेस्ट एक्सटेंट। तो कोई भी यहाँ इसका। सो नो वन ऑफ दिस वन हियर। वहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं है ना। देयर आरंट सच थिंग्स देयर आर देयर। वहाँ तो कोई कोई सतो। सम ऑफ देम आर सतो देयर। क्योंकि सतो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ऐसा कोई दुनिया में जगह ही नहीं है। इट इज बिकॉज देयर इज नो सच प्लेस इन द वर्ल्ड टू बिकम सतो प्रधान फ्रॉम बीइंग तमो प्रधान। जहाँ कोई ये समझा नहीं देवे। वेयर एनीवन वुड एक्सप्लेन कि तुम तमो प्रधान बने हो। यू हैव बिकम तमो प्रधान। ये तो कलयुग है, ये तो सर्टेन है। इट इज बिकॉज इट इज सर्टन दैट दिस इज द आयरन एज। क्योंकि है ही तमो प्रधान दुनिया। इट इज बिकॉज इट इज नो डाउट द तमो प्रधान वर्ल्ड। और मनुष्य सब तमो प्रधान है। एंड ऑल ह्यूमन बींग्स आर तमो प्रधान। अरे मनुष्य तो तमो प्रधान है ही, पर पांच तत्व भी तमो प्रधान है। अरे ह्यूमन बींग्स आर नो डाउट तमो प्रधान बट इवन द फाइव एलिमेंट्स आर तमो प्रधान। तो उनमें गुस्सा खाने की भी किसी की दरकार नहीं है। सो देयर इज नो नीड टू फेस एनीवन्स एंगर इन इट ईदर। अभी इसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है जरूर। नाउ यू डेफिनेटली हैव टू मेक द पुरुषार्थ ऑफ बिकमिंग सतो प्रधान फ्रॉम बीइंग तमो प्रधान। और कराने वाला भी एक होता है जो मुख से कह सकते हैं। एंड द वन हु मेक्स यू दैट इज ऑल्सो द वन हु कैन स्पीक थ्रू द माउथ। भले भगवान तो बहुत ही कहते हैं। ऑल्दो गॉड सेज मेनी। परंतु ये समझाते हैं ना कि अरे भाई ये जो पांच तत्व है ना, अरे ये भी पवित्र बनने वाले। बट ही एक्सप्लेन्स डजंट ही। अरे इवन दिस फाइव एलिमेंट्स आर गोइंग टू बिकम प्योर। और तुम कभी भी ये अक्षर कोई से नहीं सुन सकेंगे। यू विल नेवर बी एबल टू लिसन टू दिस फ्रॉम एनीवन एल्स। यहाँ आते हैं ना बुड्ढे बुड्ढे भी बहुत आते हैं। यू कम हियर डोंट यू। ओल्ड पीपल ऑल्सो कम अलॉट। कभी भी कोई सन्यासी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये प्रकृति तमो प्रधान है। सो अभी सतो प्रधान हो जाने वाली है। नो सन्यासी कैन एवर से दैट दिस नेचर इज तमो प्रधान एंड इज गोइंग टू बिकम सतो प्रधान नाउ। तो जब प्रकृति ही तमो प्रधान है तो जरूर मनुष्य भी तमो प्रधान होते हैं। सो व्हेन नेचर इटसेल्फ इज तमो प्रधान ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो सर्टनली तमो प्रधान। होते हैं ना बच्ची। डॉटर दे आर aren't they? सतो प्रधान और तमो प्रधान इनमें फर्क तो है ना, रात दिन का फर्क। देयर इज सर्टनली अ डिफरेंस बिटवीन सतो प्रधान एंड तमो प्रधान इजंट देयर। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ बिटवीन डे एंड नाइट। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण कोई समझते नहीं है कि हम कोई पत्थर बुद्धि है तमो प्रधान। बट बिकॉज ऑफ बीइंग दोज विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट नो वन अंडरस्टैंड्स दैट दे आर दोज विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट दे आर तमो प्रधान। किसी ने कुछ बोला। Someone said something। अच्छा मीठी मीठी सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रिमेम्बरेंस
love and good night of the spiritual father and dada to the very sweet, long lost and now found spiritual children. रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते. नमस्ते ऑफ द स्पिरिचुअल फादर टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन. ओम शांति. ओम शांति.